आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी पॉइंट। मैं आपका भाई गौरव आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। देखिए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा यानी जो सीरीज हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की चल रही है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल, यानी कि भारतीय प्रस्तावना क्या है, ये क्या है क्या नहीं है। देखिएगा इन चीज़ों को आज हम बारीकी से समझेंगे। जैसे आपको पता होगा कि प्रस्तावना को ही एक यू बात कहें तो संविधान का दूसरा अंग ही प्रस्तावना कहा जाता है, लेकिन कहां कहां पर संविधान का दूसरा अंग प्रस्तावना कहा गया। कुछ केस ऐसे थे जहां को सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के लिए संविधान का अंग बिल्कुल माना ही नहीं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे जहाँ पर ऐसे केरल में एक राज्य केस हुआ था तो केरल में इस चीज़ के लिए मान लिया गया था। कहाँ पर क्या नहीं था पूरी डिटेल में हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और धीरे धीरे समझ। जैसे कि आपको पता होगा कि 42 यानी कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि छोटा या लघु दीर्घ संविधान कहा जाता है। उसके तहत हमारी प्रस्तावना में बहुत सारे शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सारी चीज़ें जोड़ी गई। आइए सीधा समझते हैं। इससे पहले हम इस बात समझते हैं, आज पढ़ेंगे हम प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य का। ये प्रस्तावना और उद्देश्य का क्या है तो आप एक चीज़ समझिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या हुआ था, मैंने आपको एक संविधान सभा के पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्तावों को लाया गया और हमारी संविधान सभा ने उस पर विचार किया। विचार विमर्श करने के बाद फाइनली वही जो उद्देश्य प्रस्ताव थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 22 जनवरी 1947 के लिए हमारे संविधान सभा ने उसको अपना लिया था। तो पेपर में आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, ये सारी चीज थी। जब 22 जनवरी 1947 को उसको अपनाने के बाद जब सामने आए यही उद्देश्य का यानी यही प्रस्तावना आगे चलकर हमारे जो उद्देश्य प्रस्ताव थे वही आगे चलकर प्रस्तावना के रूप में काम में आए। ध्यान समझिए, भारतीय संविधान की कुंजी, मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान समझिएगा, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, पूंजी किसे कहा जाता है, आत्मा किसे कहा जाता है। संविधान, भारतीय संविधान की कुंजी, दूसरा वर्ड आ जाए पेपर में पूंजी, तीसरा वर्ड और आ जाए तो आत्मा, पेपर में आ जाए भारतीय संविधान की कुंजी, पूंजी और आत्मा किसे कहा जाता है तो आप निश्चिंत होकर बताइएगा प्रस्तावना को कहा जाता है। जैसे प्रस्तावना क्या होती है, देखिए ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जब कोई नेता या जब कोई बनता है तो वो शपथ लेता है, तो जब शपथ लेता है कि हम भारत के लोग, तो भाई जब वो हम भारत के लोग का अगर मतलब अच्छे से बताए नहीं तो हम में से आपको किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है संविधान पढ़ने की, प्रस्तावना को वो अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दे तो हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो वहाँ उसमें जो लिखा है, देखिएगा संविधान में प्रस्तावना में सबसे बड़ी ताकत जो है वो क्या है, जनता यानी हम भारत के लोग, ये एक शब्द लिखा हुआ है। आपको मैं प्रस्तावना बता देता हूँ जिस प्रकार जो लिखी होती है। जैसे बोलते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रत संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर में सामान्यता प्राप्त कराने के लिए सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित कराने, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान को आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग सिंह संपत विक्रमी 2006 को संविधान के अंकीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। ये हमारे कुछ इस प्रकार की क्या होती है, प्रस्तावना होती है। तो इसमें एक शब्द काम में लिया गया है कि हम भारत के लोग, क्या शब्द काम में लिया गया है इसको मैं रख करता हूँ कि हम भारत के लोग। देखिए ये पूरी प्रस्तावना की जड़ है, यानी पूरी प्रस्तावना की क्या है,
ताकत है। अगर व्यक्ति नहीं तो संविधान की ये प्रस्तावना किस काम की? आपसे एग्जाम में पूछ ले कि प्रस्तावना की मेन भूमिका किससे रिलेटेड होती है, सबसे ज़्यादा ताकत क्या होता है, तो आप बता पाओगे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी आर्थिक लोकतंत्र गणराज्य बनाने की, जो मैंने आपको ये बताया, ये पूरी प्रस्तावना आपको याद होना चाहिएगा। तो ये सारी चीज़ अभी बताया, प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 के लिए, जैसे आपको पता है कि संविधान को अंगीकृत किया गया था और ये फाइनली यहाँ पर कुछ आर्टिकल कुछ चीज लागू कर दिए गए थे। फाइनली 30 जनवरी 1950 के लिए संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया। जिस समय लागू किया गया था उसमें 395 अनुच्छेद 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। तो आज अनुसूचियाँ बढ़ चुकी हैं, तो आप पहला वीडियो आपने देखा ही होगा। आइए सीधा आज अब ये बात करते हैं कि संविधान जो प्रस्तावना चल रही थी वहाँ क्या क्या कहा जा रहा था। कुछ केसेस ऐसे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को नहीं अपनाया, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आए बाद में लेकर कर जहाँ को सुप्रीम कोर्ट ने अपना लिया। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो एक चीज़ आपको बोर्ड पर सामने दिखेगी, यहाँ लिख रहा है प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब प्रस्तावना को आप उच्चतम न्यायालय में परिवर्तित नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, ये सीन कब डेडिकेट हुआ, ये सीन ये निश्चय कब लिया गया, ये निर्णय कब हुआ, तो बेनाम मदन गोपाल का केस था। किसका? मदन गोपाल 1957 1957 में ये निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना को हम उच्चतम न्यायालय में परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ, एक केस बाद आएंगे, बेरुवाड़ी बाद में प्रस्तावना ने सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्चतम न्यायालय ने एक बात की कि जब जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए इस पर विधायिका संशोधन नहीं कर सकती। विधायिका आई मीन संसद को कहते हैं, विधायिका किसको कहते हैं, संसद को, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, और बाद में बात करेंगे इस चीज़ पर समय आने पर कैसे कैसे सुसंसद का विकास होता है, संसद किसने रखी, संसद की नींव किसने रखी, ड्यूक ऑफ कनाड कौन था, किसने उद्घाटन किया, कितना रुपया काम में आया दिल्ली, ये मैं बाद में डिटेल में बात करूँगा आपके साथ संसद के ऊपर अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप ये जानिएगा कि बेरुवाड़ी बाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग बिल्कुल नहीं माना। मैं कहने का मतलब संविधान ने प्रस्तावना का अंग बिल्कुल नहीं माना है। किस केस में? प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है, ये उच्चतम न्यायालय ने इसको मना कर दिया। लेकिन कुछ केस ऐसे आए बाद में, केस क्या आया और इसीलिए अंग नहीं माना, तो इसमें विधायिका भी संशोधन नहीं कर सकती, ये कह के मना कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने ही क्या, एक केस और आया केरल में। एक केस कहाँ पर आया? केरल में। केरल का जो केस जिस व्यक्ति का था, उस व्यक्ति का नाम था केशवानंद भारती। क्या नाम था? केशवानंद भारती का जब केस आया 1973 में, तब यह एक बात बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रस्तावना संविधान का एक अंग है और इस पर हमारी विधायिका कानून बना सकती है। तब इस केस में क्या हुआ, इसको अंग मान लिया गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि किस केस में संविधान ने प्रस्तावना को अंग माना गया है, किस केस में संसद इस पर संशोधन कर सकती है, इसमें उस पर न्याय बना सकती है, तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। तो आप बताएंगे केशवानंद वाले केस में, केरल राज्य में जो केस आया था केशवानंद का, उनका आया 1973 में, ये कहा उच्चतम न्यायालय ने कि नहीं, प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का एक अंग ही है और इस पर क्या करते हैं, विधायिका संशोधन कर सकती है। लेकिन एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या एक ये बहुत बड़ा पॉइंट अभी आपको मैंने बताया, 42वां संविधान संशोधन 1976 और एक था 44वां संविधान संशोधन 1978, उसमें बताया संपत्ति के अधिकार को, तो वो अलग रहा केस, ठीक है ना, वो हम बढ़ेंगे मौलिक अधिकारों में चलकर। लेकिन अभी क्या समझना है आपके लिए, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, ये सब ये इतना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हो, ये इतना कि ऐसा कोई आप दे, एक तो संविधान है, जैसा संविधान में आपको पता पूरा का पूरा एक संविधान क्या होता है, संविधान होता क्या है, तो लिखित दस्तावेज ही संविधान कहलाता है, ठीक है ना। इस संविधान में सर क्या है, 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए। एक मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो शायद आपको अभी तक नहीं पता होगा, मोस्टली किताबों में ये लिखा होता है, लेकिन अभी पीछे 2018 शायद तो IAS के पेपर में क्वेश्चन आया था कि बताइएगा यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन सा चौथा शब्द जोड़ा गया था, कौन सा चौथा शब्द जोड़ा गया था। तो अभी तो आप 3 को देखिएगा, फिर मैं आपको एक जो छुपा हुआ रहस्य है वो अभी आपको बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। क्या इसमें समाजवादी,
42 में संविधान संशोधन के तहत जो प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे वो क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, दूसरा क्या, पंथ निरपेक्ष। लेकिन जानबूझ के मैंने एक गलती की है, क्या अखंडता यानी राष्ट्र की अखंडता, पूरा शब्द क्या है, राष्ट्र की अखंडता। लेकिन शब्द अच्छे से आप पढ़ोगे, मैंने जानबूझ के यहाँ एक गलती की है, लेकिन जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अच्छे से इसको समझिएगा क्या कहा गया। तो पेपर में आता है कि कौन सा वो चौथा शब्द था जो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ध्यान रखना, पूरा किताबों में हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एग्जाम में कुछ भी होता है, एग्जाम में लिखा होता है क्या था, देखिएगा, समाजवादी पहला हो गया, पंथ निरपेक्ष जुड़ा होगा, पंथ निरपेक्ष के बाद एक शब्द और लिखा होता है, और निरपेक्ष अखंड, राष्ट्र की अखंडता क्या होता है, एक और, ये वाला शब्द पर कभी ध्यान नहीं दिया गया हमारा। ये भी शब्द है, पूरा लिखा होता है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, अच्छे समझना। तो ये और नामक शब्द है, ये चौथा शब्द जोड़ा गया था भाई, यही पूछ लिया था एग्जाम्स में। तो आप ध्यान रखिएगा, ये थी हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो थी भारतीय संविधान या प्रस्तावना जो उद्देश्य का, इसमें जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने थे बस यही क्वेश्चन इससे बनते हैं, ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं बनता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग। इतना ही आप याद रखना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को इसको लाया गया, फाइनली संविधान इसको 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। संविधान सभा जो प्रस्तावना के मुख्य ताकत क्या है, हम भारत के लोग। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, पूंजी किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं, सबका आंसर क्या होगा, प्रस्तावना को या उद्देश्य का। प्रस्तावना क्या है मैंने आपको भी बताया, आपको याद रखनी चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाज गणतंत्र राज्य बनाने के एकल संकल्प पत्र 2006 को इसी एकल समर्पित ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही बस, और आप ध्यान रखिएगा किस केस में इसको उच्चतम न्यायालय ने इसका अंग माना है, किस केस में उच्चतम न्यायालय ने इसको अंग नहीं माना है, कहां पर विधायक का संशोधन कर सकती है, कहां पर विधायक का संशोधन नहीं कर सकती। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसके बाद अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं अगले टॉपिक के साथ। जब तक थैंक यू, टेक बाय बाय, नमस्कार।